हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 20 जुलाई 2021 और हर रोज़ की तरह आज भी आईपीएल 2021 को लेकर, इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच चल रही सीरीज़ को लेकर और भारतीय क्रिकेट टीम को निकल कर आ रही 8 बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्रिकेट अपडेट्स को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग क्रिकेट या फिर आईपीएल के काफ़ी ज़्यादा बड़े फैंस हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना की तरफ से। रिसेंटली आपने देखा होगा कि चैनल के ऊपर आपको सुरेश रैना के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देखने को मिल रही हैं क्योंकि ये लगातार काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और अब सुरेश रैना ने एक और इंटरव्यू में बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार का आईपीएल टाइटल एमएस धोनी के लिए जीतना चाहती है क्योंकि सीएसके की टीम को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लगता है कि एमएस धोनी के फ्यूचर डिसीजंस के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि हमने देखा था जब इंटरनेशनल क्रिकेट से भी एमएस धोनी ने रिटायरमेंट लिया था तो सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद T20 वर्ल्ड कप तक का वेट करेंगे, लेकिन एमएस धोनी ने अचानक से रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया था। तो ऐसे में सुरेश रैना ने बताया कि एमएस धोनी के इसी तरीके के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से सीएसके की टीम चाहती है कि इसी बार आईपीएल का टाइटल जीता जाए और ये आईपीएल का टाइटल जीतकर एमएस धोनी को डेडिकेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है मिचेल स्टार्क की तरफ से। मिचेल स्टार्क, जिनके बारे में अभी हमने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि ये आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का हिस्सा आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि इसके कई सारे संकेत हमारे सामने निकल कर आ रहे थे। और गाइस, अब इसी चीज के रिगार्डिंग मिचेल स्टार्क ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है जहां पर स्टार्क ने बताया है कि अपने आप को एक मल्टी फॉर्मेट बॉलर कंसिडर करते हैं, यानी कि ये तीनों ही तरीके के फॉर्मेट में खेलना पसंद करते हैं पूरे साल। और ऐसे में जिस टाइम पर आईपीएल होता है वो होता है जनरली अप्रैल या फिर मई का टाइम, और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जो बाकी के हम जो आईपीएल के रिस्पेक्ट में जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें होती हैं उनके कोई भी मैचेस नहीं होते क्योंकि उस टाइम पर सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल खेलने में बिजी होते हैं। तो ऐसे में मिचेल स्टार्क का मानना है कि उस टाइम पर ये अपनी बॉलिंग को और ज़्यादा धारदार या फिर और ज़्यादा पैना करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर इनका मानना है कि आईपीएल के टाइम पर वो इनको नेसेसरी रेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टार्क ने कहा है कि इस बार का जो आईपीएल है उसको वो उसी टाइम पर डिटरमाइन करेंगे, यानी कि जब ऑक्शन होगा उस टाइम पर उनके दिमाग में क्या चलता है वही चीज़ डिटरमाइन करेगी कि वो आईपीएल में खेलने आएंगे या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है ऋषभ पंत की तरफ से। ऋषभ पंत जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके बाद उनको भारतीय टीम से अलग क्वारंटीन में रखा गया था। और गाइस, हमने आपको बता दिया था कि क्योंकि बीसीसीआई ने खबर लेट आने दी थी बाहर, यानी कि ऋषभ पंत काफ़ी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और अब फाइनली वो कोरोना नेगेटिव भी हो चुके हैं, क्योंकि अभी आपने 3-4 दिन पहले ये न्यूज़ सुनी और इतने जल्दी तो ठीक नहीं हो सकते, जिसका मतलब है बीसीसीआई के द्वारा इस खबर को बाहर बहुत ही लेट लेकर आया गया। तो अब ऋषभ पंत फाइनली ठीक हो चुके हैं, उनके कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। अब वो 21 जुलाई को भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे जो कि ऑलरेडी डरहम में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि इस हफ्ते आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ICC फाइनलाइज कर चुकी है। दुनिया भर के जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करके ICC ने इस चीज़ को डिटरमाइन कर लिया है कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। और गाइज, इसके साथ ही IPL का शेड्यूल भी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर कल वाली वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी जिसमें हमने आपको सारे रीज़न बताए थे कि IPL का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, इसके साथ ही IPL की स्टार्टिंग डेट के बारे में भी उस वीडियो में बताया था, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो जैसे ही अब T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल इस वीक आ जाएगा उसके बाद BCCI को क्लैरिटी मिल जाएगी डेट्स के लिए और IPL जल्दी ही आप लोगों को उसका जो शेड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे ODI मुकाबले को लेकर, जहां पर पहले ODI मुकाबले को भारतीय टीम 7 विकेट से जीतकर 1-0 से आगे चल रही है। और अब इसका दूसरा मुकाबला आप लोगों को आज दिन में 3 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, जहां पर एक बार फिर से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आप लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस मुकाबले में इस चीज़ के लग रहे हैं कि जो भारतीय टीम है उसमें हमें कुछ एक आध चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय टीम के जो हेड कोच है राहुल द्रविड़ वो इस चीज़ के ऊपर जोर डाल चुके हैं कि सभी प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा, जितने भी प्लेयर हैं उनको एटलीस्ट एक ना एक मैच खेलने का चांस जरूर
जरूर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स को इस मुकाबले में चांस दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, जहाँ पर सीएसके की टीम की जो प्रैक्टिस है वो अब आप लोगों को उसकी डेट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है कि सीएसके वन ऑफ द फर्स्ट टीम बन जाएगी जो कि अपना प्रैक्टिस कैंप लगाएगी यूएई में आईपीएल होने से पहले, और इनका प्रैक्टिस कैंप अगले महीने स्टार्ट किया जा सकता है जहां पर चेपॉक स्टेडियम में। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट कर दी है कि वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब अगर कोरोना के केसेस की बात की जाए तो करेंटली हमें इतने ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट बार तो बीसीसीआई ने काफ़ी सारी टीमों की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर लग रही है तो ऐसे में जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है उनको अपना प्रैक्टिस कैंप चेपॉक स्टेडियम में लगाने की परमिशन मोस्ट प्रोबेबली बीसीसीआई के द्वारा दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर उनके कोच महेला जयवर्धने ने एमआई की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है मेगा ऑक्शन को लेकर। उन्होंने बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम इस बार के मेगा ऑक्शन में जहां पर सारी टीमें टारगेट करेंगी बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को, जैसे कि मिचेल स्टार्क अगर ऑक्शन में आ जाते हैं, उनके अलावा हो सकता है पैट कमिंस भी रिलीज हो जाएं, उनके साथ ही जोफ्रा आर्चर भी रिलीज होने वाले हैं, तो ऐसे में ये सारे बड़े प्लेयर्स जब ऑक्शन में आएंगे तो सारी टीमें इनके ऊपर काफ़ी बड़ी बिडिंग यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 करोड़ की बिडिंग करने वाली हैं। लेकिन एमआई की टीम का मानना है कि वो इस बार भी इन प्लेयर्स के ऊपर बिडिंग नहीं करेंगे। जयवर्धने ने साफ कर दिया है कि मुंबई इंडियंस की टीम अब यंग पेसर्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि उनको और मुंबई इंडियंस की टीम के मैनेजमेंट को लगता है कि 15, 16, 17 करोड़ रुपये में आप किसी भी प्लेयर को ले लो है तो वो एक प्लेयर ही अल्टीमेटली, आप एक प्लेयर के दम पर टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो इतने सारे पैसे एक ही प्लेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय मुंबई इंडियंस की टीम यंग प्लेयर्स पर थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करेगी, और वो एक प्लेयर को खरीद कर अपनी टीम में उसे बड़ा प्लेयर नहीं बनाना चाहते बल्कि वो टीम को किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर से हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग मुंबई इंडियंस की स्ट्रेटेजी से सहमत हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहां पर केकेआर की साइड से शुभमन गिल आप लोगों को आईपीएल मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। हमने आपको बता दिया था कि उनकी सर्जरी जो कि पहले सीरियस नहीं लग रही थी वो बाद में काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, और उनको भारत भेज दिया गया था बीसीसीआई के द्वारा, जिसके चलते अब वो आईपीएल को भी स्किप करते हुए नजर आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इनकी जगह अब कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग स्लॉट खाली हो चुकी है, तो ऐसे में तीन पॉसिबल ऑप्शंस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने निकल कर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं राहुल त्रिपाठी, जो कि एक वैसे ही इनबिल्ट ओपनर है तो वो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है सुनील नारायण का, जो कि पास्ट में इनके लिए ओपनिंग का जिम्मा ऑलरेडी संभाल चुके हैं। और इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम निकल कर आता है टिम साइफर्ट का। साइफर्ट की बात की जाए तो उनको हालांकि केकेआर की साइड से खेलने का चांस नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्हें कोविड भी हो गया था, तो ऐसे में अगर वो इस बार खेलने आते हैं तो वो भी ओपनिंग ऑप्शन हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से किसे केकेआर की ओपनिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।